वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मायावती के उस ऐतिहासिक भाषण की कहानी जिसमें मायावती ने 5 सवाल पूछे थे और खुद ही उनका जवाब दिया था। 36 साल पुराना वो भाषण जिस पर जनता उछल पड़ी थी। बीएसपी का वोट शेयर बीजेपी से आगे निकल गया था। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आप हमेशा देखते होंगे मायावती जब भी किसी मंच पर आती हैं तो उनके हाथ में एक कागज जरूर होता है। मायावती अपना हर भाषण देखकर पढ़ती हैं, लेकिन 1996 से पहले मायावती बिना किसी कागज के दमदार भाषण दिया करती थी। दरअसल 1996 में मायावती के गले का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से मायावती के हाथ में कागज आ गया। आज आपको मायावती के उस भाषण की कहानी दिखाएंगे जिसने जनता को मुरीद बना लिया था। मायावती को राजनीति में लाने वाले काशीराम थे। मायावती 21 साल की उम्र में आईएएस बनने का सपना देख रही थी, लेकिन काशीराम के कहने पर मायावती ने आईएएस की तैयारी छोड़ दी और राजनीति के अखाड़े में कदम रख दिया। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। मायावती की उस वक्त पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन थी। साल था 1986। राजनीति में नई नई मायावती हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित करने आई थी। हरिद्वार में मायावती का यही वो भाषण था जिसने दलित और पिछड़ों को एक कतार में खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। इस जनसभा में मंच से मायावती ने 5 सवाल पूछे थे। इस सभा के बाद चुनाव में रिजल्ट कितना बदल गया था वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो मायावती का ऐतिहासिक भाषण दिखाते हैं जिसमें मायावती ने 5 सवाल किए थे और जवाब भी खुद ही दिया था। भाषण की शुरुआत में ही मायावती ने पहला सवाल किया कि क्या आप लोग मुझे ऐसे दलित व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो पिछले 40 सालों में कांग्रेस सरकार में फला फूला हो। मायावती के सवाल पर जनता में सन्नाटा छा गया। पलटकर मायावती ने जवाब दिया, तो कबूल करते हो कांग्रेस ने दलितों को मूर्ख बनाया है। जनता ने जोश में जवाब दिया, हाँ। मायावती ने दूसरा सवाल पूछा, हर चुनाव में दलित सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट देते हैं, फिर भी कांग्रेस शासित राज्यों में या फिर केंद्र में 5% दलित मंत्री होते हैं। देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्री में एक भी दलित नहीं है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? भीड़ चिल्लाते हुए कहती है, हमें कांग्रेस ने वाकई मूर्ख बनाया है। अपने अगले सवाल में मायावती ने ऊंची जाति पर सवाल किया और कहा, क्या ये लोग नहीं चाहते दलित अच्छा खाएं, अच्छा कपड़ा पहने और अच्छा काम करें? क्या कोई ऐसी मशीन है जो इनका हृदय परिवर्तन कर सकती है और ये दलितों को फलने फूलने में मदद कर सकते हैं? भीड़ जोश से भर गई, कहने लगी, नहीं, वो हमारी भलाई नहीं चाहते। इसके बाद मायावती ने सवाल किया, क्या तुमने कभी सोचा है अगर बाबा साहब अपना संगठन न बनाकर किसी मनुवादी पार्टी में शामिल हो जाते तो दलितों के लिए इतना कुछ कर पाते? भीड़ फिर जोश में चिल्लाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राजनीति में नई नई और महज 30 साल की उम्र में मायावती ने अब वो सवाल किया जिसे तुरुप का इक्का कहा जाता है। क्या तुम लोग नहीं चाहते जिन लोगों का दमन और शोषण हो रहा है वो अपनी अलग पार्टी बनाए? क्या तुम नहीं चाहते बहुसंख्यक लोग अपने हाथ में सत्ता लेकर अपने भाग्य का परिवर्तन करें? मायावती के इन 5 सवालों और जवाबों के बाद जनसभा में नया जोश पैदा हो गया। इस भाषण के बाद हुए 1989 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ा दिखाई दिया था। मायावती के इस भाषण की जमकर तारीफ की गई थी। बाकी खबरों और किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।